आवाज है दिल की चाहते जान बूझ कर जाना है ये दिल थोड़ा थोड़ा सा दीवाना है ये दिल चारों तरफ कैसा ड्रामा इसके फीचर ये है कि ये पहन के इंसान गायब हो जाता है। तुम जूतों नहीं बोल रहे ना? बिल्कुल सर, आप ट्राई करके चेक कर लें। मैं जिन हूँ इंसान नहीं जो अपनी बात से मुकर जाऊंगा। पहले 1502 फिर ये चश्मा तुम्हें मिलेगा। तुम मुझे देख सकती हो? तुम्हारी तो मैं कुटाई भी कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन इसको तोड़ना नहीं। रुबीना, रुबीना, जंगलम भाई, क्या बात है आपकी? अब आप आराम से जाएं और अपनी शादी अटेंड करें। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कहाँ हो तुम? मैं ये रही। ला 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 ला। जंदो होले दे लेने मेरा नाम। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तुम्हें तो रुबीना ने इस घर से निकाल दिया था ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ जी साहब जी, बिल्कुल निकाल दिया था। फिर रुबीना बीबी को अपनी गिल्टी का एहसास हो गया। उन्होंने मुझे कहा, जमीला उर्फ जिम्मी, तू तो बड़े काम की बंदी है, तू वापिस आ जा। मैं तो इस घर से फजूल लोगों को निकाल रही हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि रुबीना अपने आप को इस घर से निकाल रही है। वाह। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है मैं फजूल? और क्या, और मुझे लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता है भाई? तुम एक काम करो, तुम यही रह लो, हम लोग एडजस्ट कर ले। निकल जाओ मेरे घर से। हैं? पर मैं क्यों निकलूं? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ही यही है कि तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा क्या कसूर है। निकलो मेरे घर अभी और इसी वक्त निकलो, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। भैया, ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई अपना पुराना मोबाइल भी घर से थोड़ी ना निकालता है, उसको पहले रिपेयर कराता है और बैकअप के लिए रख लेता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हें पता है तुम वो खराब मोबाइल हो जो 24 घंटे भी चार्ज पे लगाए ना, फिर भी 24 सेकंड नहीं चलता। ऊपर से तुमने केसिंग लगाई है, वो भी डबल, नए मॉडल की है। फकीर, बेरोजगार, निकल जाओ मेरे घर से वरना चूहे मार दवाई छिड़क दूंगी तुम पे। चूहे की तरह तड़प तड़प के मरोगे तुम। रुबीना, क्या हुआ? क्यों मार रही हो तुम मेरे मासूम से शौहर को? मारा नहीं है तुम्हारे मासूम से शौहर को, मासूमियत के साथ दोनों निकल जाओ मेरे घर से। लंगड़े घोड़ा घोड़ी की जोड़ी। देखो तुम्हें जो है लंगड़ी घोड़ी कह रही है। तो पहले ये मुझे बड़ा सलीम की अनारकली कहलाती थी, हैं? मुझे तो लगता है ये बिल्कुल तुम्हारे साथ ठीक कर रही है। तुम भी उसी के साथ दे रही हो? नहीं, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुम जैसे आवारा निखट्टू इंसान के साथ हम दोनों बहने अपनी जिंदगी खराब कर रही है। तुम्हारी मैं अलग धुलाई करती हूँ, इससे तुम्हें अलग फिट नहीं मिलती है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दे। बिल्कुल सही कह रही हो दिलरुबा बहन, हम इस कुएं के मेंढक के लिए डरते रहते हैं, हमें तो चाहिए ऐश करें, घूमें फिरें, बल्कि कोई काम धंधा कर लेते हैं। लेकिन इस अनाज के दुश्मन को तो घर से बाहर निकाल के रहेंगे। निकलो अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकलो। मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, चलो सीधी तरह निकलो बाहर जाके, बेशक उल्टे हाथों जाना, चलो निकलो यहाँ से। उल्टा ना सीधा, मैं नहीं जाऊँ। ये ऐसे नहीं मानेगा। क्या कब्र फाड़ के निकले हो हिल हिल के? अभी तो तुम्हारा कफन भी मैला नहीं हुआ। जाओ जाके शाबाश, वापिस अपनी कब्र में लेटो हिल हिल के। मोर के सर में सोटी कर दूंगा बोटी बोटी। ज्यादा बकवास नहीं करनी मेरे साथ। मेरा कोई पता नहीं कि कब फौत हो जाऊं। जहाँ फौत नहीं होना। इससे पहले के क्या क्या इससे पहले क्या क्या धमकी दे रहे हो क्या बताओ? ओए पुत्र, पूरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा था कि इससे पहले के मैं फौत हो जाऊं, एक काम की बात करने आया हूं, वो कर लेने दे। चलो फिर जल्दी से काम की बात बताओ, नहीं है तो जाके अपना काम करो। सबसे पहले मेरा मतलब है, पहले ये बता के सलीम का घर यही है? है नहीं था। मर गए भाई? क्या मर गया वो?
ओ जी नहीं मर नहीं गया बल्कि इस घर से मार खा के गया। मगर क्यों? कूड़ा करकट की भी कोई कीमत होती है, मगर वो आदमी तो इतना फजूल था कि उसकी घर वालियों ने उसको इस घर से लात मार के कूड़ा करकट की तरफ भारी फेंक दिया। घर वालियों ने? जिसकी दो बीवियां वो बंदा तो फजूल हो ही नहीं सकता। वो कैसे जी? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हैं? पहले मुझे उसकी बीवियों से मिलवाओ। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है, मैं सौदा लेने जा रही हूँ। आप एक काम करें, अंदर चले जाएं, हिल हिल के। किधर चली गई? अंदर मैं अकेला चले जाऊं? ओए मेरा कोई पता नहीं, कहीं अंदर जाते जाते रास्ते में पोत ना हो जाऊं। ओहो, इतने खर्चे बढ़ गए, सलीम की जेब खर्च से काटने पड़ेंगे। माशाल्लाह, हिसाब किताब तो ऐसे कर रही हो जैसे कयामत वाले दिन अमलों का हिसाब देने की तैयारी कर रही हो। आप कौन है? आप जनाब तो ऐसे कर रहे हो जैसे बड़ी इज्जत दे रही हो, और डर ऐसे रही है जैसे मौत के फरिश्ते आ गए हो। देखिए, मैं किसी से डरती भरती नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। और डराने वराने मैं भी किसी को नहीं आया। मैं बड़े काम की बात करने आया हूँ इससे पहले के फौत हो जाऊं। आप कहीं आप दिलरुबा के रिश्तेदार तो नहीं है? होती थी हमारी भी कभी दिलरुबा, अब तो मौत ही हमारी दुल्हन है और मौत ही दिलरुबा। मैं समझ गई हूँ। आप एक काम करें, आप यहाँ से सीधा ऊपर चले। बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे। कोई डायरेक्ट कब्र में जाने की बात कर रहा है, कोई डायरेक्ट ऊपर पहुंचाने की बात कर रहा है, और मैं काम की बात करने आया हूँ इससे पहले कि मुझे मौत आ जाए। देखें देखें, आप होंगे दिलरुबा के रिश्तेदार, मेरे मुंह ना लगे आप, जुगते मुझे भी आती हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह, बड़ा तुम्हारा मुंह कोई फटे टमाटर जैसा है, लगा जुगते। मैं लिहाज कर रही हूँ आपका, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं इसलिए। ओए पुत्रिये, जुग तो मैं कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लगा जुगते, बड़ा तेरा चाइना की देखती जैसा मुंह है। बस बहुत हो गया, मुझसे मत कहिएगा कि आप मेरी फायरिंग से जख्मी हो गए। लगा जुगा तो कुड़ी है, बड़ा तेरा कोई मिट्टी के ढेले जैसा मुंह है, लगा जुगते है। आपकी शक्ल ऐसे जैसे आपकी शक्ल ऐसे जैसे किसी ओ बस कर कुड़िये, तेरा पहला फायर ही मिस हो गया है। बड़ा तेरा मुंह ऐसा है जैसे दो नाली बंदूक ने शर्मिंदगी से मुंह झुकाया हुआ हो। मैं तो लिहाज कर रही थी क्योंकि आप बड़े हैं। ओ बस कर कुड़िये, बस कर, मुझे सलीम की बीवी से जरूरी बात करनी है इससे पहले कि मैं फौत हो जाऊं, वरना तेरा मुंह देख के तो कोई 40-45 झुकते आएंगी हैं। क्या मतलब? मेरी झुकतों की ट्रेनिंग सिर्फ दिलरुबा की हद तक है। घर में ना एक बाबा जी आए हुए, और वो कह रहे कि वो सलीम के दादा के चाचाजाद कजन है, और अपनी सारी जायदाद सलीम के नाम करने आए हैं। क्या कह रहे हो? कौन? दादाजी। दादाजी? लेकिन मेरे दादाजी तो कब के फौत हो चुके हैं। मैं वो दादा नहीं हूँ जो फौत हो गए, मैं वो हूँ जो फौत होने वाला हूँ। फौत होने वाला कौन है भाई? ये इसकी कौन है आप? मैं कोई कब्र से उठ के नहीं आया हूँ, और कब्र में जाने की तैयारी है। मतलब आप जिंदा तो है ना, भूत वूत तो नहीं है?
अरे बहुत ही फजूल औरतें हैं इस घर में। मुझे बताओ तुम्हारा शौहर सलीम किधर है? सलीम से क्या काम है आपको? भाई वो मेरे चाचे के पुत्र का पोतड़ा है। मैं तो चार चार बिया खड़का के औलाद से महरूम रहा, कोई वारिस नहीं है मेरा। मैं अपनी सारी जायदाद सलीम के नाम करने आया हूँ, ये फाइल भी साथ लाया हूँ, बस उसके हवाले कर दूँ, फिर भले मुझे मौत आ जाए। क्या जायदाद? हाँ, सारी जायदाद। अच्छा तो फिर कितनी है आपकी सारी जायदाद? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? पहले सलीम को और उसकी दूसरी बीवी को बुलाओ। सलीम ऑफिस गया है, उसकी दूसरी बीवी मैं हूँ, बताओ मुझे। अगर दूसरी तुम हो तो फिर पहली वाली को बुलाओ और सलीम को ऑफिस से बुलाओ, इससे पहले कि मुझे मौत आ जाए। नहीं नहीं, आप बैठे ना दादाजी, बैठे 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 बैठे, आराम से आराम से आराम से, मैं आती हूँ ठीक है, पहली वाली को बुला के। रुबीना 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 मेरी बात सुनो। तुम मेरे कमरे में कैसे आई? अरे पहले मेरी बात तो सुन। नहीं, पहले बताओ तुम मेरे कमरे में कैसे आई? ओफो क्या मुसीबत है। रुबीना रुबीना ऐसे आई अंदर? हाँ फिर ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, घर में ना एक बाबा जी आए हुए और वो कह रहे कि वो सलीम के दादा के चाचाजाद कजन है और अपनी सारी जायदाद सलीम के नाम करने आए हैं। क्या कह रहे हो? हाँ तो और क्या, इतने महीने से हम उस निखट्टू आवारा शोहर को बर्दाश्त करती रही, आज जब वो लॉटरी बन के निकलने वाला था तो हमने उसे घर से भगा दिया। अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अभी कॉल करके बुलाती हूँ, देखना कैसे आता है ना। अबे यार सलीम, एक शादी करके भी नसीहत नहीं हुई तुझे जो दूसरी कर ली, तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। चल खैर। अब कॉल क्यों की? मेरे मोबाइल में बैलेंस था इसलिए कॉल की। अच्छा तो अपना कीमती बैलेंस मुझे से फजूल आदमी पे क्यों जाया किया तुमने? वो एक्चुअली सलीम, मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना वो कसम से बहुत गलत है। नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत ही अच्छा किया तुम लोगों ने, मैं हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि दो शादियों के जुर्म में उम्र कैद काट के आ रहा हूँ और अभी जेल से निकला हूँ। क्या हो गया है तुम्हें, इतनी कॉमेडी करते हो? देखो जल्दी से घर आ जाओ ना। घर आती है मेरी जूती। तुम्हारी जूती यहीं पड़ी सड़ रही है, अभी अगर 10 मिनट में तू घर नहीं आया ना तो मैं बता रही हूँ। ओए शट अप। काट दिया तो तुम भी तो इधर उधर की बातें कर रही थी, बताती तो सही कि किस लिए बुला रहे हैं। अच्छा रुको अब मैं करती हूँ। अगर मुझे पता होता कि शादी का लड्डू खाने से पेट में दर्द हो जाता है तो मैं शादी से पहले ही वो लड्डू बनाने वाले हलवाई की दुकान जला देता। अरे किसकी कॉल आ गई यार? हेलो। हाँ बोलो, आप क्यों कॉल की मुझे? अरे तुम्हारे दादा के चाचा साथ कजन आए हुए हैं और तुम्हें पता है वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने वाले हैं, तो जल्दी आओ इससे पहले कि दादाजी फौत हो जाए। अच्छा तो फिर उन्हें बोलो फौत हो जाए, मैं नहीं आ रहा। अरे सलीम मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? अरे कैसे लोग हो यार, पहले घर से लाते घूसे मार मार के निकाला मुझे, अब बहाने से दोबारा लालच देके बुला रहे हो ताकि मुझे दोबारा ठोक सको। कसम से सलीम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे दादा के चाचाजाद कजन आए हुए हैं। अच्छा चलो उनका हुलिया तो बताओ। हुलिया हुलिया हुलिया, हाँ कफन जैसे सफेद कपड़े पहने, टांगे उनकी कब्र में और वो बार बार फौत होने की बात कर रहे हैं। तो जल्दी आ जाओ इससे पहले कि वो अल्लाह को प्यारे हो जाए। मेरा मतलब है कि जायदाद जाया ना हो जाए ना, इसलिए तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। जब वो फौत हो जाए ना तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उनकी कब्र पर मिट्टी डालने आ जाऊंगा। और खबरदार जो मुझे दोबारा कॉल की तो। रुबीना ये तो हम फंस ही गए हैं, अगर ये सलीम नहीं आया तो क्या होगा? एक काम करते, पहले दादाजी के पास जाते, उन्हें तसल्ली देते, कह देंगे कि सलीम आ रहा है। हाँ चलो देखो बात करते।
हाय अल्लाह अम्मी जी, ये तो वाकई मर गए। इन्होंने कहा था कि मैं फौत होने वाला हूँ, लगता है फौत हो गए। रुबीना अब क्या करेंगे जायदाद हमारी? ओ नहीं, फौत नहीं हुआ, ओ मैं फौत होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये बताओ कब्र में ऐसे ही लेटते हैं? दादाजी प्लीज आप उठ जाएं, आप फिक्र मत करें, आपके मरने से पहले हम सलीम का अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लेंगे सलीम? सलीम है कोई सोफा कुर्सी है या शामियान ते कन्नाते हैं जो अरेंज हो जाएंगी? अरे दादाजी ये तो ऐसी बकवास करती रहती है, मुंह देखे ना इसका, जैसे मदारी की स्टाम्प वाली झापड़ी होती है, है ना? हाय 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 मजा आ गया। अपना मुंह देखा, हाथ के नलके वाली टोंटी जैसा मुंह है तुम्हारा। मजा आ गया, जुगतों की बरसात हो रही है। रुक जाना, वो हमारी ऑडियंस बन रहा है, तू ऐवें उसको मजे करा रही। नहीं नहीं नहीं, जारी रखो जुगते, जारी रखो, मैं भी शो देख लूं जरा। वो जब तक सलीम नहीं आता थोड़ा मैं दूध लू, वैसे भी मैंने फौत ही हो जाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसका मतलब ये कि दादा के कजन वाकई आ गए? ये तो मुझे नहीं पता कि आपके दादा के कजन हैं या कजन के दादा हैं। फो, एक तो ये नालायक इंसान इतना लायक बन जाएगा, मुझे अंदाजा नहीं था। ऊपर से वो दादाजी, उन्हें भी तो इतनी मरने की जल्दी पड़ी है। क्या करूं क्या करूं? आइडिया। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता भाभी, कैसी हैं आप? घर पे सब ठीक? बच्चे, शौहर, मियां घर पे हैं? नहीं, कोई तो मर्द हजरात होगा, चौकीदार? नहीं नहीं चलेगा, वो एक्चुअली कुछ काम था और सलीम आउट ऑफ टाउन गए हैं, तो आप उस चौकीदार को भेज देंगी? हाँ कुछ ज़रूरी काम से। हाँ बस एक काम कीजिएगा, उसे कहिएगा थोड़े अच्छे कपड़े पहन के अच्छा सा तैयार हो क्या है। हाँ हाँ काम है काम है, सिर्फ कोई काम काम, मैं बताती हूँ ना आपको। हाँ भेज दें उसे, ठीक है, थैंक यू। ये हुई ना बात। नहीं नहीं नहीं, पिज्जा रहने दे। जी जी उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। एक काम करें ना, आपके शॉप पर जो भी चीज रेडी है उससे राइडर के हाथों फौरन भिजवा दें। ओके ओके प्लीज फौरन। हाँ ओके 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 थैंक यू। अब इतनी इमरजेंसी में तो डिलीवरी बॉय से ही काम चलाया जा सकता है, इससे पहले कि दादाजी अल्लाह को प्यारे हो जाए। एक दो ती, नहीं 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 ये नहीं, नहीं। और कहाँ है चौथा? पांचवा कहाँ? ये रहा पांच। साहब जी, ओ साहब जी, क्या हो गया? ये आपका मुझ साबुन की चिपड़ जैसा क्यों हो गया? ओहो आपको पता है आपके घर ना मेहमान आए हुए। मेहमान? इसका मतलब ये कि दादा के कजन वाकई आ गए? ये तो मुझे नहीं पता कि आपके दादा के कजन हैं या कजन के दादा हैं। वैसे ना उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी मरने वाले हैं। हाँ वही होंगे। इसका मतलब दिलरुबा और रुबीना सच बोल रही थी? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मुझे आपका मुँह ऐसा लग रहा है जैसे तंदूर में लगी हुई आखिरी रोटी। वाह बड़ी झुकते मारी हूँ मुझ पे, बताऊँ क्या? By the way, सलीम, तुम्हें घर जाना चाहिए, क्या पता तुम्हारे हाथ में जैकपॉट ही लग जाए। और ज्यादा से ज्यादा अगर वो झूठ बोल रही होगी तो 8-9 घूसे लाते ही पड़ेंगी ना। कोई बात नहीं, कौन सा पहली बार खा रहा हूँ, चलो। तैयार होकर आने को आपने कहा था? वालेकुम अस्सलाम। तो तुम वो वॉचमैन हो जिसे शाइस्ता भाभी ने भेजा है?
आहो आ आप हुकुम करे जी, मैं ना जल्दी जल्दी तैयार होके आया हूँ। एक काम करो, जल्दी जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं जल्दी जल्दी तुम्हारी सारी तैयारी खराब कर दूंगी। दफा हो यहाँ से, दफा। पता होता कि दो कौड़ी का सलीम शहजादा सलीम बनने वाला है तो इसे घर से बाहर ही ना निकालते। रुबीना, रुबीना, क्या हुआ? सलीम अरेंज हो गया क्या? कैसे? एक मिनट दिखाती हूँ। आपका पार्सल? अरे पार्सल को गोली मारो। हमारा एक काम करोगे? हुकुम करें। आप थोड़ी देर के लिए हम दोनों का शौहर बनना पसंद करोगे? दोनों का? हाँ, और इस काम के ना हम तुम्हें पैसे भी देंगे, पूरे 1,000। 1,000 रुपए मुझे मंजूर है। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तुम लोग चीखे क्यों मार रही हो? सलीम के बच्चे है? चल निकल, चल निकल। अरे मेरा क्या कसूर भाई? सलीम आ गया। मुझे लगता है दादा अबू लुढ़क गए। दादा जान, ओए मर गए। दादाजी मर गए क्या? आंखें खोले। ओ मरा नहीं हूँ पुत्र, मरा नहीं हूँ। मैं तो हिसाब लगा रहा था, ये हार्ट अटैक इसी तरह होता है ना। दादा अबू मुख्तार हुसैन भुट्टा ना? ओए माशाल्लाह पुत्र, पहचान लिया तूने? अरे कैसे नहीं पहचानूं मैं आपको, उधर है, उधर है। अरे तुम लोगों को बताता हूँ, इनकी तस्वीर मेरी फैमिली एल्बम में, मेरा मतलब है कि मेरे दादा अबू की फैमिली एल्बम के पहले पेज में इतनी बड़ी लगी हुई थी। और पता है दादा अबू आपके बारे में क्या कहते थे? कि आप जिस लड़की से शादी करते थे वो फौरन मर जाती थी। फजूल बातें मत कर पुत्र, मेरा पता नहीं मैं कब फौत हो जाऊं। ये जायदाद संभाल ले, मैंने सब पे अंगूठे लगा दिए हैं। वैसे दादा बाबू की जायदाद में है क्या क्या? पुत्र कुल मिला के माशाल्लाह 2 बकरियां हैं, 1 भैंस है, 35 मुर्गियां हैं, 1 मुर्गा, 1 उनका गड़बा। ये है आपकी जायदाद? सुबह से हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ, ये जायदाद है तेरी? न मरता है न जीने देता है, निकाल इसे घर से बाहर। पुत्र एक बात तो सुनो, तो पुत्र क्या बाकी की जायदाद सब यतीम खाने में दे दूं? बाकी की जायदाद? हाँ, वो जो 10 मुरब्बे जमीन है, 4 हवेलियां, 150 घोड़े और उनका अस्तबल। दादाजी मैं तो मजाक कर रही थी। बिठा 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 इनका बिठा। आप कितनी बातें कर रहे हैं, आइए आइए बैठे बैठे बैठे। मेरी बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना आपने। हाँ बैठे 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 बैठे, मैं तो मजाक कर रही थी। और निकालो ना इन्हें। पुत्र कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे भी फौत हो जाना है। वो हमारे गांव में माना जट और पुकाना जट नहीं है वो बदमाश? हाँ, वो कब्जा माफिया वाले जिनसे हर कोई डरता है, पता है तुम लोगों को? जरा जरा सी बात पे वो बंदा भड़का देते हैं। 35 कत्लों का मुकदमा चल रहा है उन लोगों पे। अरे 35 कत्ल के बाद भी पूरे शहर में गांव में दंदनाते फिरते हैं। यही तो बात है। बस कर जा, बता दी उनके फैक्ट्स एंड फीचर्स। पूछो आगे करना क्या है ये पूछो। अच्छा अच्छा, दादा जान आपने उनसे कहलवाना क्या है, क्यों उनके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं? असल में पुत्र वो पिछले 30 साल से ना हमारी सारी मुरब्बा जमीनों और चारों हवेलियों और अस्तबल पे उनका कब्जा है, बस वो छुड़ाना है। क्या? मैं मर रहा हूँ, बचाओ। हाथ को आया, मुंह को ना लगा।
क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? मैंने कहा ना, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये दिलरुबा की बच्ची ये सलीम के साथ क्या कर रही है? ये तो मेरा आइडिया था ना टिकटॉक बनाने का। वो मेरे साथ टिकटॉक बनाने नहीं आ रहे। एक्चुअली वो जो उनकी समोसा चटनी की जोड़ी थी ना, वो टूट गई है, तो उन्होंने अपनी चटनी के लिए मुझे सेलेक्ट कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ। समोसा जी आप यहाँ, आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं बरसों से, बहुत पहले से आपको जानती हूँ। वही चेहरा, वही नैन, वही नक्श, सुभानअल्लाह। दिलरुबा, जरा यहाँ कोने से भी सफाई कर देना। हाँ, चुप कर मासी की बच्ची।